हाय गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो क्या हाल चाल है, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए एक ब्लॉग में। तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आपके पास फोर व्हीलर है या कुछ भी है, तो आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अभी हम हैं कुवैत में, और आपको पता है कुवैत में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। अरब कंट्री के जितने भी देश हैं, वहाँ कुवैत में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, 50+ टेम्परेचर जाता है। तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आप अभी देख रहे होंगे। यहाँ पीछे दिखाते हैं, ये इसकी हेडलाइट देख रहे हैं, हमारी गाड़ी की दोनों हेडलाइट देख रहे हैं आप किस तरह से। ये पीछे आप देख रहे हो, ये किस तरह से जल चुकी है, बिल्कुल काली पड़ गई है। ये दोनों हेडलाइट है, एक नहीं एक दोनों, इतना ज़्यादा मतलब टेम्परेचर यहाँ रहता है, 52-53 तक जाता है। इसकी वजह से पूरी हेडलाइट काली पड़ गई, जल चुकी है बिल्कुल जो है। तो हम इसको अभी जा रहे हैं बनवाने के लिए, एक बात हुई है, वो इसकी बफिंग करते हैं, इसका रफ़ करते हैं, पॉलिश करते हैं। तो वहाँ पे जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे, देखेंगे किस वजह से हुआ है, धूप की वजह से हुआ है या कोई उसका इफ़ेक्ट है, कुछ ख़राब है, वो क्वालिटी का फ़र्क है, क्या हुआ है। तो वहीं जाके पता चलेगा, और दिखाएंगे किस तरह से वो इसको सही करते हैं, पॉलिश करते हैं, कितना रुपया लगता है और किस तरह से इसको केयर करना चाहिए, तो ये सब दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पहुँच के दुकान पर और देखते हैं कैसा काम होता है। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं सोएख में, और ये जो राइट में अभी हम यहाँ जा रहे हैं, इसको सारा जीना बोलते हैं। गाड़ी का जितना डेकोरेशन का काम है, मॉडिफिकेशन का काम, वो सारा यहाँ पे होता है। अलॉय व्हील्स बदलवाना हो, हेडलाइट बदलवाना, जितना भी मॉडिफिकेशन का काम है वो सारा यहीं पे होता है। जो अस्सलाम वालेकुम, इंडियन पाकिस्तान, ये हेडलाइट का देखो काम कर दोगे, वो जो हमारा लगा हुआ था देख लो, वो निकालने का है, जल गया है, वाला गया। इसके दोनों का 8KD आएगा। तो ये अभी हम आ गए हैं सोएख में, और भाई साहब लगे हुए हैं यहाँ पे, तो हटाने का प्रोसेस चल रहा है अभी, आवाज़ बहुत है। ये हीट करके पूरा निकलता है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये अभी बहुत बुरी तरह जल चुका है, ये देख रहे हो किस हालत में। आधा घंटे का टाइम बता रहे हैं, आधा घंटा लगेगा। तो चलिए दिखाते हैं प्रोसेस क्या है इसका। तो अभी एक साइड का तो काम हो चुका है, तो अभी पहला काम ख़त्म हो गया है। ये जितना भी उसके ऊपर लेमिनेशन लगा हुआ था, वो हीट गन की मदद से निकाल दिया गया है। ये देखो दोनों साफ़ हो गया, अभी क्लियर हो गया है। अब इसके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं, उसमें ये जो अभी दाग धब्बे दिख रहे हैं, ये पूरा दाग धब्बा दिख रहा है ये ना, ये सब हट जाएगा। तो इसके आगे का हम दिखाते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, अभी लेमिनेशन हट गया है और इसका रेगमाल से घिस रहे हैं, इसको रफ़ कर रहे हैं, और ये देखते हैं कैसा नतीजा निकलता है इसका। तो दो स्टेप हो चुके हैं, अभी तीसरा स्टेप है। इसमें ये पॉलिश लगा रहे हैं, कटर पॉलिश है, तो इसको लगा के उसके बाद में ये ग्लेंडर जो होता है इससे रफ किया जाएगा। चौथा स्टेप में ये पॉलिश लगा दी। ये कौन सी पॉलिश है? तो ये पॉलिश है, ये देखो। पहले कैसा था, अभी कैसा देख। तो फाइनली काम हो गया, अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं। तो आपने देखा किस तरह पहले कितना ही ख़राब दिखता था, पूरा रेड कलर का हो गया था, पूरा जल गया था, हेडलाइट ही जल गया था, उसके वजह लेमिनेशन था। और उसकी वजह से रात में रोड पे जो उसकी विजिबिलिटी होती है लाइट की, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल येलो कलर का दिख रहा था, ऐसा लग रहा था लाइट जल ही नहीं रही। तो अभी देखते हैं इसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है रात का। और वैसे काम बहुत अच्छा हुआ, तो आपने शुरू से लास्ट तक देखा किस तरह से ये काम होता है। अगर किसी को कुवैत में अगर कोई है और इसके गाड़ी में लाइट में प्रॉब्लम है, तो आप सोएख में सारे जीना पे आ सकते हैं। और आहलिया जो हमने एक कंपनी दिखाई थी, आहलिया करके है,
आलिया करके इंटरनेशनल पार्ट्स का एक्सपायर पार्ट करके, वो जैसे ही आप राइट मारोगे उससे पहली शॉप मिलेगी, एजाज नाम है उनका काम जो करते हैं, जो आप ये काम किए उनका एजाज नाम है। तो बहुत ही अच्छा काम था उनका जो है सफाई वाला, और आपने लास्ट में देखा किस तरह सा फ़र्क पड़ गया था, बिल्कुल नया जैसा हो गया था। तो बस ये था कुछ आज का ब्लॉग, तो उम्मीद है हमारी मेहनत आपको पसंद आएगी और आपको देख के भी अच्छा लगेगा। कमेंट में बताना कैसा लगा ये काम और किस तरह का, अगर किसी को जरूरत हो यहाँ के करवा सकता है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, और मिलते हैं हम किसी नए जगह पे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।